सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। टाउन हॉल बापू भवन में स्वर्णकार सम्मेलन। बलिया स्वर्णकार सम्मेलन स्थान टाउन हॉल बापू भवन बलिया के संदर्भ में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री गोविंद वर्मा जी एडवोकेट ने की और निम्नलिखित बातों पर चर्चा हुई। एक, सर्राफा और स्वर्णकार भाइयों के सामने यक्ष प्रश्न धारा 411 व 412 पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे देश से स्वर्णकारों की मांग आ रही है कि धारा 411 व 412 में आंशिक संशोधन कर पुलिस उत्पीड़न से सर्राफा व स्वर्णकारों की फौरी तौर पर राहत दिलाई जाए। इसके परिपेक्ष में माननीय सांसद श्री कैलाश सोनी जी ने पत्र लिखकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है। दो, स्वर्णकार संघ प्रयासरत है कि आज के समय में स्वर्णकारों की आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी तय की जाए। तीन, यह स्वर्णकार सम्मेलन हमारे भाई बंधु चाहे किसी भी पार्टी या दल में हो, केवल व केवल उनकी एकजुटता के लिए यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। चार, स्वर्णकार सम्मेलन के माध्यम से संगठन यह मांग करता है कि व्यवसाय के आधार पर असलहे का लाइसेंस सुरक्षा के दृष्टिकोण से अविलंब दिया जाए। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के मंत्री श्री विनोद सेठ उत्तर प्रदेश महा। कैसा कार्यक्रम आयोजित है और इस आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम होगा? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। पुनः हम आपको बार बार धन्यवाद आप सभी को देते हैं। साथियों, देश में स्वर्णकारों की संख्या लगभग 80 लाख है, जो हमारे कारीगर हैं और दुकानदार भाई हैं। कुल मिलाकर के जनसंख्या हमारी 6 करोड़ है पूरे भारतवर्ष में। 1963 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगा हुआ था, उस समय भारत सरकार ने एक्ट के तहत 1 ग्राम भी सोना रखने की परमिशन किसी भी सुनार और किसी भी सर्राफ को सरकार ने नहीं दी। साथियों, हमारे संगठन ने अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 ने पूरे देश स्तर पर एकजुटता करते हुए एकत्र किया और बराबर अनवरत हम लोग संघर्ष करते रहे और उसमें हमने अमेंडमेंट कराए। अमेंडमेंट कराने के बाद सभी स्वर्णकारों को 600 ग्राम सोना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। सर्राफ भाइयों को मिनी डीलर लाइसेंस इशू करवाया, उसमें जो है 3 किलो का रखने का अधिकार था। जो बड़ा डीलर लाइसेंस था उसमें 6 किलो रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1990 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म हुआ। हम लोगों ने पूरे देश में, यानी कोई भी राज्य ऐसा नहीं था, सभी जगह संगठित करके आंदोलन किए। दिल्ली में धरना दिया और धरना देने के बाद 1990 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट की समाप्ति हुई। लेकिन आज जो केंद्र सरकार है, एक अघोषित गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू कर दिया है पूरे देश में, जिससे हमारे देश के सभी दुकानदार भाई छोटे और कारीगर लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि उनका कारोबार बंद होने के कगार पर है और वो अपनी रोजी रोटी की समस्या अन्य व्यवसाय में ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। सर, सरकार का ध्यान इस समय पूंजीपतियों, जो आवारा पूंजीपत हैं देश के, उस पर और भ्रष्ट आईएएस अफसर, भ्रष्ट कस्टम के डिपार्टमेंट के आदमी मिलकर के देश में उच्च स्तर पर तस्करी करा रहे हैं। ये मेन पॉइंट है, आप नोट करिए कि देश में बड़े ऊंचे स्तर पर तस्करी हो रही है और तस्करी का कारण है कि आयात कर सोने पर 1% अभी तक था, इस सरकार ने धीरे धीरे बढ़ाते 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 आज आयात कर 12.5% कर दिया सोने पर और 2.5% उन्होंने एग्रीकल्चर सेस लगा दिया, यानी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स। साथ साथ 3% GST, 0.75% उन्होंने सोशल वेलफेयर सेस लगा दिया। कुल मिलाकर के 18.75% सोने पर इस समय ड्यूटी भारत सरकार ने लगाई है, जिसके कारण देश में बहुत बड़े रूप में सोने की तस्करी का काम फल फूल रहा है। इसमें भ्रष्ट IAS, कस्टम डिपार्टमेंट के लोग और आवारा पूंजीपत, जो धन्ना सेठ हैं, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, ये सब लोग मिलकर के तस्करी का काम कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के जो उद्देश्य हैं, उनके उद्देश्यों को सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग। मेरा माननीय मोदी जी से निवेदन है कि वो तस्करी पर अविलंब रोक लगाएं और अधिकारियों पर रस्साकसी कसें। साथियों, अभी हमने
आपको बताया कि तस्करी हो क्यों रही है, क्योंकि एक किलो सोने में लगभग 8-9 लाख रुपया बचता है लोगों को। अभी 2016 में मोदी जी ने क्या किया था कि काला धन समाप्त हो जाए। अब वो काला धन फिर चालू हो गया है सोने के माध्यम से। 8 लाख रुपया ये नंबर दो में उन लोगों को बच रहा है, तो पूरे देश में कुंतलों सोने का जो है तस्करी हो रही है। इसमें अभी आपने पढ़ा भी होगा 2021 में एक आईएएस अफसर महिला अफसर केरल में पकड़ी गई थी, जिसका संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय से था। दूसरी चीज आपने देखा होगा ये कभी कानपुर में पीयूष जैन का नाम का आदमी पकड़ा गया था, उस पर भी 23 किलो सोना उस पर जो है प्राप्त हुआ था। तो हमारा कहने का मतलब सरकार से हम जानना चाहते हैं कि ये तस्करी का सोना इतने आपके डिपार्टमेंट लगे, कस्टम डिपार्टमेंट बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, आईएएस लगे हुए हैं, और तुम्हारे इनकम टैक्स लगा है, ईडी लगा है, इस तरीके की तमाम एजेंसियां सरकार के काम कर रही हैं, फिर भी इस पर तस्करी पर रोक लगाने में सक्षम नहीं है सरकार। तो मेरा जो है मोदी जी से निवेदन है कि अविलंब तुरंत ही तत्काल प्रभाव से तस्करी पर रोक लगाई जाए। अब तस्करी पर रोक कैसे लग सकती है दोस्तों, एक आपको बताएं कि अगर ये 18.7% की जगह पूर्व की भांत अगर आयात कर में 1-2% जैसे था पहले कर दिया जाए तो तस्करी टोटल समाप्त हो जाएगी। ये मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से। इसमें होता क्या है कि वहाँ जो बैठे मठाधीश बैठे हैं मंत्रालय में, पूंजीपत लोग रोजाना वहाँ जाते हैं, हाजिरी देते हैं और उनसे तस्करी की साठ गांठ करके उन्हें करोड़ों रुपया के जो है आमदनी कराते हैं, इसलिए अपने तरीके से अपने कानून बना लेते हैं। लेकिन छोटे जो दुकानदार हैं, कारीगर भाई है, वो हमारी भुखमरी कगार पर पहुंच रहा धीरे धीरे, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। वो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और छोटों को बर्बाद करना चाहते हैं। अब हमारे तो समझ में ये आ रहा कि केंद्र सरकार का कहना या तो मालिक बनो रिलायंस की तरीके से, या आप उनके गुलाम बन जाओ। तो आज तक हमारा जितना कारीगर था या छोटा दुकानदार था कोई गुलाम नहीं था, स्वयं कमाता था, स्वयं अपना मेहनत करता था और गुलाम किसी का नहीं होता था। लेकिन आज जो है ये जो है स्थिति बन चुकी है। तो ये तस्करी पे तो हमारा ये काम कहना है आप लोगों से। दूसरी चीज किया है, आपको भी मालूम होगा तमाम आंदोलन हुए और तमाम प्रेस वार्ताएं हुई, तो हाल मार कानून में आपको हम बताएं कि देश में इस समय 773 जिले हैं, 773 जिसमें हाल मार कानून केवल अभी तक 288 जिलों में लागू है। यानी कहने का मतलब 15 महीने होने जा रहे हैं, 288 जिलों में ही हालमार कानून लागू है। मोदी जी का कहना एक देश एक कानून, अरे भाई कहाँ एक देश एक कानून है, हमें तो नहीं दिखाई पड़ता एक देश एक कानून है। अगर एक देश एक कानून होता तो अविलंब तुरंत ही पूरे देश में एक साथ कानून लागू कर देना चाहिए था। सरकार का कहना है कि वहां पर हॉलमार्क सेंटर नहीं लगे, अरे हॉलमार्क सेंटर नहीं लगे हैं तो कानून बनाने से पहले हॉलमार्क सेंटर की व्यवस्था आपको स्वयं करनी चाहिए थी। आज क्या हो रहा है कि 288 जिले में तो हॉल मार्किंग सेंटर काम कर रहे हैं, टोटल देश में इस समय प्रेजेंट टाइम पर 1060 हॉल मार्किंग सेंटर हैं 288 जिले में मंडवत, और शेष सभी 450 जो जिले हैं वहाँ कोई हॉल मार्किंग सेंटर नहीं है। तो जो पूंजीपत बॉम्बे में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कोयम्बटूर में बैठे हैं, जिनका जो है 500-600 कुंतल माल साल में जो है टर्नओवर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, आप भी घटिया माल सप्लाई कर रहे हैं पूरे देश में। हमारे स्वर्णकार संघ ने 1996 में कानपुर में सम्मेलन के समय ये पास कराया था कि कोई भी घटिया माल नहीं बनना चाहिए, इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार धीरे धीरे आज जो है 26 साल में कानून बना पाई, और वो भी अभी पूरे जो है देश में कानून ये लागू नहीं हुआ। तो मेरा कहना है, निवेदन है सरकार से कि वो अविलंब पूरे देश में एक साथ कानून लागू करें, हॉलमार्क कानून। जी, आपने तस्करी की बात कही, जी कितने समय चल रहा है ये तस्करी? अभी जब से ये आयात कर बढ़ा है तब से चल रहा है जी, 4-5 साल से तस्करी का काम वृहत रूप में हो गया, फल फूल रहा है, खूब तरीके से जोरों से फल फूल रहा है। तो क्या आप दोषियां भाजपा सरकार को मानते हैं? नहीं, भाजपा सरकार नहीं, भाजपा सरकार तो बड़ा अपना जो है स्ट्रिक्ट काम कर रही है, लेकिन जो मशीनरी पुराने धर्रे में ढली हुई है, भ्रष्ट अधिकारी, वो अपना धर्रा नहीं बदलना चाहते हैं। उन प्रकार की सरकार जो है एक कानून और एक आदेश लागू कर रही है, कर नहीं रही है, तो एक तरफ आप आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अपील भी कर रहे हैं। नहीं, अपील कर रहे हैं मैं तो, ये जो कानून बनाते हैं वो आईएएस अफसर बनाते हैं वहाँ बैठ करके, पूंजीपत लोग हमने आप
कार्यक्रम कैसा है और कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें उपस्थित थी? आगामी 3 सितंबर यानी कल के दिन बलिया में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम स्वर्णकार समाज के तरफ से होने जा रहा है, जिसमें न केवल बलिया जनपद बल्कि अगल बगल जनपद के भी स्वर्णकार व्यवसायी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रदेश महासचिव परम आदरणीय गोविंद वर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री जो कि बनारस से चल के हम लोग के बीच में आए आदरणीय विनोद सेठ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। हम लोग के 2 विधायक जो कि एक घाटा के आदरणीय मोहन वर्मा जी और दूसरे सोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के आदरणीय विनय वर्मा जी और मोहन वर्मा जी, एक हाटा से और एक सोहरतगढ़ से, ये दोनों विधायक लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हम लोग के बीच की अररिया से चल के आई हुई है रितु वर्मा जो कि सिविल जज है, उनका भी कार्यक्रम में हिस्सेदारी होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव आदरणीय टुनटुन सराफ जी का इस कार्यक्रम में उपस्थिति होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि जैसे अभी एक अनिल वर्मा जी हैं जो रतनपुरा के रहने वाले हैं, जो उत्कृष्ट शिक्षक से उनको नवाजा गया है, एक डॉक्टर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसे प्रतिभा जिनको भी अपने मुख्य अतिथि के माध्यम से हम सभी सम्मानित करने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया वशिष्ठ नारायण सोनी और उनकी पत्नी श्रीमती मोती रानी सोनी जी, की वर्तमान में रसड़ा नगर पालिका की वो चेयरमैन है, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। टुनटुन सराफ और उत्तर महासचिव उत्तर प्रदेश सरकार संघ, ये 3 सितंबर को, ये 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को बापू भवन टाउन हॉल में सरकार सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें जिले के से हटके अगल बगल के जिले के प्रतिनिधि भी उसमें सहभागिता करेंगे और हमारी लोकल स्तर पर कुछ समस्याएं हैं जिनका हम लोगों ने आवाज़ उठाने का एक मंच से प्रयास किया है। पहली समस्या है, कुछ समस्याएं हमारी 411 और 12 धारा को लेकर है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसके वजह से पुलिस हमारे सराफा व्यवसायियों सरकारों को उत्पीड़न करती है। इसमें हमारे माननीय सांसद कैलाश सोनी जी ने दिसंबर 2021 में माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जिसमें कुछ संशोधन किया जाए जिससे हमारा उत्पीड़न रोका जाए। दूसरी समस्या ये है कि हम जिस हिसाब से पूर्वांचल में चाहे प्रदेश में हमारी जिस तरह की आबादी है उस हिसाब से हमारी राजनीतिक भागीदारी निश्चित नहीं है, उसको भी उसको सुनिश्चित किया जाए। दूसरी बात यह है ये सम्मेलन किसी पार्टी कौवा का नहीं है, यह सम्मेलन निश्चित रूप से जातिगत स्वर्णकारों की समस्या है या स्वर्णकारों को समस्याओं को लेकर, यह किसी पार्टी कौवा का यह सम्मेलन नहीं है, सिर्फ स्वर्णकार सम्मेलन है, निश्चित कर दिया। दूसरी चीज़ यह है कि आज के डेट में हमारे जो सराफा व्यवसायी जो स्वर्ण व्यवसायी अगर असलहे की मांग करते हैं उनके उस आधार पर उनका सलाह दिया जाए, लाइसेंस उनका दिया जाए, यही मांगों को लेकर जो हम लोग स्वर्णकार सम्मेलन पूर्वांचल के हिसाब से करा रहे हैं, जिसमें मैं अपने ज़िले के तमाम वरिष्ठ ओम बुद्धिजीवों से निवेदन करता हूं कि आप 3 सितंबर 2022 को शनिवार को आप बापू भवन टाउन हॉल में आइए और स्वर्णकार सम्मेलन को सफल बनाइए।